स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज फूड एंड डाइजेशन. यू विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन एंड फूड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच, अ बैलेंस्ड डाइट, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, प्रॉपर फूड हैबिट्स, मेथड ऑफ कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन. इन शॉर्ट आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. So starting from the chapter, we used to read that is we all need food because we need to stay alive. Food gives us energy, helps to grow, keeps our body healthy. It also provides us materials needed for the repair of damaged cell. It did not get food enough, we die and weak. अपने को फूड इसलिए खाते क्योंकि अपने को जिंदा रहना और एनर्जी. फूड से अपने को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है जिससे अपन प्रॉपर वर्किंग कर सकें. और अगर अपने को ढंग से खाना नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता है, तो अपन टायर्ड और वीक फील करते हैं. न्यूट्रिशन इन फूड एंड नीच ऑफ इंपॉर्टेंस. न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, दीज और ऑल द क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिशन होते हैं फूड्स के, जिनको अपने को फाइव न्यूट्रिशन आर मेन होते हैं जो न्यूट्रिशन के, जो अपने को जरूरी रहते हैं. इन एवरेज पर्सन कैन ईट्स अवर 15 टोन्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स मोर देन 40,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड इन अ लाइफ टाइम. फूड ग्रोथ प्रोटीन्स, न्यू फूड ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटीन्स. ये प्रोटीन रिच होता है, चीज़, बीन्स, मीट, मिल्क, फिश, एग, क्या होता है, प्रोटीन रिच ऑफ प्रोटीन रहते हैं जिससे अपने को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है. कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं ब्रेड, चावल, बनाना, फ्रूट्स एंड दिस ऑल. और ये क्या होता है, फैट रिच होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं फूड आइटम्स. फैट रिच क्या होते हैं, चीज़, बटर, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब. विटामिन फूड होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. मिनरल्स फ्रूट्स और मिनरल्स रिच फूड आइटम्स होते हैं, सेम एज आपको बताया. वाटर बहुत ज़्यादा नीशर होता है बिकॉज विदाउट वाटर अपन फ्रूट अपन खाने के बिना एक हफ्ते तो रह सकते हैं, पर बिना पानी के अपन एक दिन भी नहीं रह सकते हैं. इट्स वेरी यूज ऑफ वाटर. बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट प्रॉपर अमाउंट में रखनी चाहिए जिसमें आपको फुली न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन हो, खाना मतलब सब चीज़ हो कि पाँचों प्रोटीन हो. डाइजेशन ऑफ द बॉडी, डाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है बॉडी का, सही बॉडी के लिए. नहीं तो आपको विदाउट डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, माउथ के द्वारा जाता है सलाइवा से कन्वर्ट होकर फूड पाइप में जाता है स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू आउट होता है. ओके, आपको फूड ढंग से च्यू करना चाहिए जिससे वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाए. दसे सिस्टम, ये देखिए, ये फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू खाना उसमें आता है स्टोमक में, स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है. ओके, प्रॉपर फूड हैबिट्स, फूड डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंटर द ब्लड वेस्ट एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो न्यूट्रिशन होता है वो अंडर ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. प्रॉपर फूड हैबिट्स, ईट व्हेन, आपको कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए. व्हेन ईट योर मील्स एट अ फिक्स टाइम, नाइदर टू अर्ली नॉट टू लेट, फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, ना तो ज़्यादा लेट खाना चाहिए ना तो ज़्यादा जल्दी खाना. हैव ए फिक्स टॉयलेट टाइम, आपको टॉयलेट जाना चाहिए बार बार दिन में, बार बार नहीं मतलब फिक्स टॉयलेट टाइम पे जाना चाहिए जिससे जो आउट वेस्ट होता है वो अपने किडनी के थ्रू, जो यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है. ईट ए बैलेंस डाइट, आप लोगों को बैलेंस डाइट जाना है और ड्रिंक ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर. सबसे ज़्यादा तो पानी को बहुत ज़रूरी है पीने, दिन में आपको 7-8 ग्लास से पानी पीना चाहिए जो आपको प्रॉपर फंक्शनिंग रख सके बॉडी से, क्योंकि आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो जाती है तो आपको बहुत दिक्कत आती है. हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है. हाउ, आपको वॉश योर हैंड करना चाहिए खाने से पहले, खाने से बाद, और ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए और प्रॉपर चबा के खाना चाहिए. वॉश योर माउथ आफ्टर, और अपने चेहरे मुंह को धोना चाहिए खाना खाने के बाद. कुकिंग फूड, मैटर्स ऑफ कुकिंग फूड इज कुक्ड टू मेक इट टेस्टी, इजी एंड डाइजेस्टिव, टू किल जर्म्स. सर्टेन फूड आइटम्स आर रीड, मतलब जो सर्टेन फूड, मतलब फूड को अपन बनाते हैं तो उसको किल्स जम हो जाते हैं, उसको टेस्टी बनाने के लिए फूड बनाते हैं. और कुछ फूड ऐसे रहते हैं जिनको अपन कच्चे ही खाने लगते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जिनको अपन कच्चे ही खाते हैं. तो वाइल्ड रिमेंबरिंग जब फूड्स होता है तो ज़्यादा उसको ओवर कुक नहीं करना है, जैसे उसका जो न्यूट्रिशन हो जाए वो डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए. वाइल्ड बॉइलिंग, टेक इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फूड फूड इज़ नॉट थ्रोन. जब आप बॉइल करते हैं किसी चीज़ को तो ज़्यादा पानी लेना चाहिए उसमें. नेवर वॉश वेजिटेबल और फ्रूट्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम. जब पहले वॉश करके रखना चाहिए, ऊपर से मत काटने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके इनका सारा वो टेस्ट निकल जाता है. डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच इज पल्स आर सोक्ड, इट कंटेन्स विटामिन. जिसमें आप पल्स दाल सोक करते हो जिस पानी में, उसको बाहर नहीं फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा विटामिन रहता है. मेथड ऑफ बुलिंग, बॉइलिंग राइस एंड वेजिटेबल, फ्राइंग पोटेटो एंड पूरीज, रोस्टिंग मीट, बेकिंग केक, ब्रेड एंड बिस्किट, स्टीमिंग इडली, स्प्राउटिंग पीस एंड बीन्स, फ्रेमेंटिंग ढोकला. फूड प्रिजर्वेशन, कोल्ड एंड कोल्ड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज लेटर. प्रिजर्व्ड फूड इज सेफ टू ईट इवन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. फूड कैन बी स्पॉइल्ड ड्यू टू द इनसाइड डस्ट, बैक्टीरिया, मॉइस्चराइजर, फर्स्ट एक्टिव.
मतलब कि फूड प्रिजर्वेशन की आप कुछ फूड स्टोर करके रखते हो बाद में खाने के लिए, इट्स गुड होता है हेल्थ के लिए, बट उसको एक सेफली उसमें रखना चाहिए कि वाई कीपिंग एयर टाइट कंटेनर डज नॉट स्पॉइल, मतलब स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, इसमें मॉइस्चर बना रहता है और बैक्टीरिया जो कीड़े वर्कआउट होते हैं, कीड़े वगैरह कुछ भी बैक्टीरिया एनी बैक्टीरिया उसमें एंटर नहीं कर पाता है। बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग के लिए जम इन द फूड हेल्प्स टू प्रिजर्व इट, बॉइलिंग के कारण जम्स प्रिजर्व होता है, बाई कीपिंग लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वाइल साल्टिंग, बाई डिहाइड्रेशन, बाय स्वेटिंग। न्यूट्रिशन यूजली यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड, बहुत यूजफुल सब्सटेंस डाइजेशन, जॉब का ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सिंपल सब्सटेंस प्रिजर्वेशन, सेविंग फूड फॉर गेटिंग स्पॉइल, रफ इज द फाइबर प्रेजेंट इन फूड। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।